हाय फ्रेंड, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आज मैं आपको नेट की जैकेट बनाना सिखाऊंगी जो हम किसी भी ड्रेस के ऊपर पहन सकते हैं। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे हमारी जो भी नेटिस वीडियो आए वो सबसे पहले देखने को मिले। पहले हम इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे यहाँ से। अब ये डबल तय में कपड़ा है, इसको भी अलग कर लेंगे क्योंकि हमें अलग अलग पार्ट निकालने हैं आगे। ये हमने अलग अलग कर लिए हैं, इसका एक पार्ट निकाल देंगे। अब हम सबसे पहले आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। पहले आगे के पल्ले की हम कटिंग कर लेंगे। लेंथ हमने इसकी ले ली है 20 इंची। नीचे हम इसमें कुछ डिजाइन करेंगे 2 इंची का, इस वजह से हम इसको फिक्स ले रहे हैं। आधा इंच हमारा दबाव में जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 19.5। तो हमें लेना है इसका तीरे का नाम, तीरा लेना है हमें यहाँ से 6.5 इंच का।
इंची एक्स्ट्रा बढ़ा के कटिंग करेंगे इसकी। ये हमारे आगे पीछे के दोनों पल्ले कट गए, थोड़ा सा यहाँ से हम एक इंची का झुकाव देंगे हल्का सा। आधा एक इंची का जितना भी आपको अच्छा लगे। ये हमारे दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है, ये पीछे का, ये हमारे आगे का है। बाजू निकालनी है, ये हमारा कपड़ा, इसमें से हम बाजू निकालेंगे। ये देखिए ये हमारा सिंगल है, अब हमने ये डबल कर दिया कपड़े को। चार तह में हो गया और फिर एकदम बराबर कर लेना है हमें, क्योंकि हमारी बाजू ताकि छोटी बड़ी ना हो। क्योंकि ये बाजी हमारी गुलाई में होके नहीं लगेगी, बिल्कुल सीधी लगेगी। ये हमारा निशान हो गया है यहाँ तक बाजू। यहाँ से हमें 3 इंची नीचे करना है, निशान लगाना है। यहाँ से हम बाजू की मॉडल ले लेते हैं। पाँच इंची फिक्स है, 2 इंची यहाँ से इसका दबाव है। ये हमारी पीछे साइड जाएगा, ये देखिए हमारी जैकेट की कटिंग रेडी हो गई है। अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। उल्टा सीधा इसका देख लेंगे।
तरह से ज्वाइन करेंगे। कंधे यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे दोनों को, सिलाई लगा लेंगे। हमने ज्वाइन कर लिया है, ये हमने पट्टी काटी है 4-4 इंची की। इन पट्टियों को हम जोड़ेंगे दोनों को इस तरीके से। सारी पट्टी, 3 पट्टी काटी है, तीनों हम ज्वाइंट कर लेंगे। गले की साइड से दोनों पट्टी हमसे जॉइंट कर लिए हैं हमने, और ये पट्टियाँ हमने बना ली हैं। इन पट्टियों को हमें इस तरीके से सीधा करना है कि दोनों भागों में, क्योंकि ये अलग अलग ना जाए। पट्टी को हमें काट लेना है। ये पट्टी हमारी इस तरीके से लग गई है। अब हमें इस कपड़े को इसी की तरफ दबाव देके इस तरफ से, क्योंकि ये कपड़ा बार बार हमारा आगे की साइड ना आए, इसलिए इसको हम ऐसे दबा देंगे। ऊपर से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। कॉलर भी बन गई है हमारी, और हमारी पट्टी भी साथ में लग गई है। अब हमें बाजू अटैच करनी है इसमें, इसके साथ साथ हमें बाजू को लगाना है। बाजू का जो हमारा बीच का सेंटर है, उस पर हमें कट लगाना है यहाँ से, क्योंकि ये बाजू हम गुलाई में नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सीधी बाजू लगाएंगे कि बाजू हमारी इधर उधर ना जाए। बाजू मिलानी है कंधे पे से, ऐसे। ऐसे हमें इस बाजू को लगा लेना है। ये देखिए हमने दोनों बाजू इसमें जोड़ लिए। अब इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, जितनी आपकी फिटिंग है इस हिसाब से आप लगा सकते हो। मैंने अपनी फिटिंग की निशान यहाँ पे लगा लिया है, मैं इस पर सीधी सिलाई लगा लूँगी। बाजू के साथ जोड़ के अच्छे से इसको, और ऐसे इस पर सिलाई लगा लेंगे। जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए हमारा इसका बाजू का, जो आर्मोल का यहाँ का है। सेम इसी तरीके से आपको इस साइड भी फिटिंग का निशान लगाना है।
से पकड़ना है इसको बिल्कुल सीधा ऐसे। और इसको ऐसे सीधी सिलाई लगा दो इस पर भी। ये देखिए हमारी ये जैकेट में फिटिंग का निशान लग गया है। अब हम इसमें नीचे ये बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर लगानी है सीधी साइड से, इस साइड से ऐसे करके इसको ऐसे लगाएंगे इस। इसमें भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे जिस तरीके से हमने कॉलर पे लगाई थी। कपड़े को इस साइड करके ये बार बार आगे ना आए ऐसे करके, और इस पर हमें सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारी ये जैकेट बन गई है। अब इसमें हम चाहे तो बटन लगा सकते हैं और चाहे तो हम इसमें एक डोरी लगा सकते हैं। मैं इसमें डोरी लगा रही हूँ।